वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का ऑमलेट लच्छा पराठा। तो सबसे पहले हम इसकी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 eggs लिए हैं और यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 tablespoons मैंने ऑनियन लिया है, 2 tablespoons मैंने टमाटर लिया और इसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। थोड़ी सी मैंने येलो शिमला मिर्च ली है, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने बारीक चॉप की हुई और मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 to 2 tablespoons मैंने धनिया लिया है। और जो इसमें हम मसाले डालेंगे वो आप देख लीजिए, मैंने 1 teaspoon सॉल्ट लिया है, आप हंसपे जाकर जितना आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, बहुत भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये तकरीबन 1/2 teaspoon है। 1/2 teaspoon मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1/2 teaspoon ही मैंने कुटी हुई काली मिर्च लिया। आप इससे ज़्यादा डालना चाहें स्पाइसेस तो आप डाल सकते हैं। सबसे पहले हम ऑमलेट को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम एग ब्रेक करके डालेंगे बाउल में। एग ब्रेक करने के बाद हम इसके अंदर ऑनियन ऐड करेंगे, टमाटर, शिमला मिर्च। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये मसाले हैं ये ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। पर मैं सिंपल वीटो यूज़ कर रही हूँ, वही आटा जो घर में हम रेगुलर गूंथते हैं, गंदम का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। मैंने कोई प्लेन फ्लावर या कुछ नहीं इसमें डाला, बस सिंपल आटा है। बस जब मैंने इसको गूंदा है तो मैंने इसमें 1/2 teaspoon सॉल्ट और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल और डाल के मैंने इसको गूंद लिया। 2 कप आटे में आप 1/2 teaspoon सॉल्ट और 2 tablespoon ऑयल डाल के इसको गूंद लें और फिर हम इसकी जो है वो पराठे बना लेते हैं। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं अच्छा सा। इसको अच्छा सा बेल के तो फिर हम इसके अंदर ऑयल लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छा सा बेल लिया, अब हम इसके अंदर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर ड्राई आटा स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल लगा लें, देसी घी, जो भी आपको पसंद है वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अब हम इसकी लेयर्स बनाएंगे, ये देखिए इस तरह हम इसकी पतली पतली सी लेयर्स बना लेंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए इस तरह। अब लेयर्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको स्ट्रेच करना है थोड़ा सा। स्ट्रेच करने के बाद फिर हम इसका इस तरह पेड़ा बना लेंगे। इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह हम इसका पेड़ा बना लेंगे। अब हम दोबारा से इसको बेल के इसके पराठे बनाएंगे। ड्राई आटा थोड़ा सा डालेंगे, उसके अच्छा सा पराठा बेल लेंगे। ये देखिए ये रेडी हो गया। अब हम इसको तवे पे या पैन पे, जिसमें भी आप इसको बनाना चाहते हैं आप इसको उस पर बना लें। मैं इसको पैन में बना रही हूँ, पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसको पैन में डालते हैं। पैन ऑलरेडी गर्म है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे। जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए एक साइड पक गई, अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी साइड को चेंज करेंगे।
आप चाहें तो देसी घी या दूसरा घी भी यूज कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। देखिए इसकी साइड कुक हो गई है, अब हम दूसरी साइड पे ऑयल लगाएंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी कुक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर एग लगाएंगे। इसको सारी तरफ ऐसे फैला देंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। और ऑमलेट को प्रेस करेंगे पराठे को, ताकि ऑमलेट जो है वो पराठे के साथ चिपक जाए। ये देखिए ये कुक हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पका है ये। अब हम इसको उतार लेते हैं। तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का ऑमलेट लच्छा पराठा। इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बेस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। होप यू लाइक इट। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।